हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिग मैथ थ्योरी। आज हम क्लास 12 का रिलेशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप क्लास 11 का रिलेशन जरूर पढ़ लें। इंट्रोडक्शन है ना, बेसिक आपको आना चाहिए, अगर आप भूल गए हैं तो, और अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन बेसिक के लिए मैंने दो वीडियो बनाए थे, उन दोनों का लिंक और वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू होता है रिलेशन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन क्या होता है वो सब हमें पता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। 11th में हमने पढ़ा था कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अ रिलेशन ऑन एनी सेट ए, अब यहाँ पे ध्यान देना, सेट केवल एक है ए। 11th में ए और बी सेट होते थे, तो यहाँ पे ए और बी नहीं है, दोनों ही सेट सेम है, इनपुट का सेट भी और आउटपुट का सेट भी, ठीक है। तो एनी रिलेशन ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू दैट रिलेशन फॉर ऑल ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट। एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक सेट है ए जिसमें आपके पास दो एलिमेंट हैं, और जाहिर सी बात है ए क्रॉस ए क्या होगा भाई, रिलेशन लिखने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना होता है, उसके सबसेट ही तो हम लिख रहे हैं। तो ये रहा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है इसमें चार एलिमेंट हैं, इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, 16। तो इस सेट ए पे 16 रिलेशन, जिसमें से एम्प्टी रिलेशन है पाई और यूनिवर्सल रिलेशन ये है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, उन 16 में से कोई एक रिलेशन ये भी तो है ना, ये उन 16 में से है क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो कहा क्या जा रहा है कि ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, मतलब ए क्या सेम एलिमेंट है ना, तो 1, 1 रिलेशन में है, 2, 2 रिलेशन में है, ठीक है ना। और ये जो 1 और ये 2 है, ए जो है ना वो सेट ए में होना चाहिए, तो सेट ए में है 1, 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो मुझे यहाँ पे 3, 3 भी चाहिए होगा, ठीक है ना। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं ए कॉमा ए फिर रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ जहां आपको पता चलेगा कि भाई क्या एग्जैक्टली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। भाई देखो ये रिलेशन है, इसका सबसेट है, पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो ए कॉमा ए सेट ए में 1 तो है सेट ए में, 1 का 1 भी यहाँ है, लेकिन 2 नहीं है, मतलब ये हो ना फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो 1, 1 है तो 2, 2 भी चाहिए था, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक और देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो क्या 1, 1 है, बिल्कुल है, क्या 2, 2 है, बिल्कुल है, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर ये चीज ए कॉमा ए है और सारे ए हैं, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स का इस तरीके से ए कॉमा ए है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी उसमें आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है, बाकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन काम जो है वो ये है, ये है तो वो रिफ्लेक्सिव है, उसके अलावा और कुछ आप उसमें जोड़ देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो होता है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, इतना लिख लो। ओके, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है वो आपको डेफिनेशन सामने दिख रही है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। अ रिलेशन ऑन एनी सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वो एग्जाम्पल से आप समझेंगे, देखो फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ए क्रॉस ए आपके पास है, चलो फिर एक रिलेशन
लिखते हैं? अब देखो ये तो रिलेशन है 1.2, 2.1, इसका सबसेट है तो ये एक रिलेशन है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि अगर ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ये क्या है? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हम ए बी को क्या बोल रहे हैं? ए वन है, बी क्या टू। तो इसका मतलब 1, 2 अगर रिलेशन में है तो 2, 1 भी होना चाहिए। 1, 2 है, 2, 1 भी है, 2, 1 है, 1, 2 भी है। अच्छा हाँ, तो फिर है सिमेट्रिक है, बात खत्म हो गई। देखो एक और दिखाता हूँ आपको, ये भी इसका सबसेट है, इसका रिलेशन है। ए बी या 1, 2 रिलेशन में है पर 2, 1 तो है ही नहीं, या बी है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो एक और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, ये सारी चीजें मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ और हर एक एग्जांपल आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा ये भी इसका सबसेट है तो ये भी एक रिलेशन है। क्या ये सिमेट्रिक है? इसमें तो ए भी है ही नहीं, ये ए है, ये भी ए है, ठीक है ना। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होता है अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को और बी ए भी बिलोंग करता है। यदि ए बी बिलोंग नहीं करता है तो वो सिमेट्रिक है बाय डिफॉल्ट। जो मैंने बोला उसको दोबारा सुनिए, नोटबुक में नोट करके लिख लीजिए। अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए होना चाहिए तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। यदि ए बी नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लो। अच्छा तो इसमें तो ए बी है ही, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, गुड, ओके। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन की, तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है ट्रांसिटिव रिलेशन की, पढ़ता हूं ध्यान से सुनना। अ रिलेशन ऑन एनी सेट ए इज ट्रांसिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके ये सेट ए लिया हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट है तो इसके सबसेट बनेंगे 2^9, इसका मतलब 512। तो अपने पास 512 रिलेशन है, उनमें से एक रिलेशन में लिखता हूं, चलो देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखो क्या चाहिए था, बस आपको ध्यान देना है ए बी बी सी रिलेशन में है तो आपको ढूंढना है क्या ए सी है। देखो ए बी मतलब कि 1, 2, 2, 3 रिलेशन में है तो आपको क्या ढूंढना है कि 1, 3 रिलेशन में होना चाहिए, वो तो है, बिल्कुल है। अच्छा ये हर तरीके का कॉम्बिनेशन के लिए आपको करना होगा, ठीक है ना। जैसे इसके लिए अगर सोचो 2, 3 ये हमारा ए बी है तो बी सी कहीं पर है, 3 से शुरू ही नहीं हो रहा कहीं भी, ठीक है ना। तो इस विषय में मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक एग्जांपल और ले, फिलहाल ये तो ट्रांजिटिव है, क्यों, ए बी बी सी और ए सी इसमें है, ए बी बी सी अगर है तो ए सी है। तो अच्छा ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? देखो ए बी बी सी है पर ये तो सी ए है, मतलब 1, 2, 2, 3, 3, 1 1, 3 होना चाहिए तो 3, 1 है ना, ये नहीं है ट्रांजिटिव। देखो एक और रिलेशन देखो, क्या ये ट्रांजिटिव है? वही 1, 2, 2, 1 ए बी और इसको अगर मैं बी सी बोल रहा हूँ तो ए सी चाहिए, मतलब कि 1, 1 इसमें होना चाहिए था पर वो तो नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो और देखो, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो ए बी बी सी तो है ही नहीं, है ना। एक और लिखता हूँ, दोनों बातें मैं एक साथ समझा देता हूँ, यहाँ पे ए बी है पर बी सी नहीं है तो ए सी की क्या बात करूं। अच्छा यहाँ तो ए बी ही नहीं है, ए ए है, तो बच्चे ये दोनों ही ट्रांजिटिव है, जैसा कि मैंने सिमेट्रिक में बताया था ठीक वैसी ही कुछ बात।
रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। तो अगर ए बी बी सी है तो आप ए सी ढूंढेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा अगर ए बी बी सी जैसा कोई आइडिया भी नहीं है तो बाई डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव है। अब देखो यहां पे ए बी तो था पर बी सी है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है। यहां तो ए बी भी नहीं है तो बाई डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। आप इसको बड़े समझदारी से समझते हुए लिख लीजिए। अब बात करते हैं अगले रिलेशन की। अगले रिलेशन का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। बड़ा इजी है। एवरी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव साइमल्टेनियसली। कोई ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं इस वाले एग्जांपल से आपको बताऊं, ये आपको दिया हुआ है तो इसमें 512 रिलेशन है, उनमें से एक नहीं कई होंगे जो ट्रांजिटिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और रिफ्लेक्सिव भी होंगे, उन्हें हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, तो मैं यहां पे सुख भी जाऊं, बहुत इजी वाला लिखूंगा, सबसे इजी। देखो रिफ्लेक्सिव करना है तो आपको तो ये एलिमेंट चाहिए ही चाहिए, है ना, तभी रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। तो एक बात पक्की है रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए कॉमा ए सारे एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब देखो क्या सिमेट्रिक है, बिल्कुल है क्योंकि ए बी तो अभी नहीं इसमें, ए ए है। क्या ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, ए ए है, ए बी बी सी ये सारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होगा, अगर वो चीज है ही नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इट इंप्लाइज इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इस तरीके से और भी रिलेशन होंगे, ठीक है, केवल एक दो नहीं होंगे, काफी होंगे। तो 512 में से कई सारे रिफ्लेक्टिव होंगे, कई सारे ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होंगे, कई सारे इक्विवेलेंस होंगे। और इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आगे चल के किसी एपिसोड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के रिलेशन है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बड़े अच्छे से, जिससे इन बातों को और अच्छे से समझा जा सके। शुरू करते हैं। ओके देखो ये क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, बड़े अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, आपको सेट ए दे रखा है और आपको रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई का। रिलेशन क्या है कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, अगर वाई एक्स से डिवाइड हो जाता है तो वो रिलेशन में है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, और क्या है ये रिलेशन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जनरल मेथड से करेंगे और जहां जरूरत होगी वहां एग्जांपल भी ले लेंगे, और जहां पे हमें लिखना पड़ेगा इसको रोस्टर फॉर्म में वहां लिख भी लेंगे, देखते हैं। तो पहले बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक, ना सिमेट्रिक ही नहीं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो भाई x इज डिविजिबल बाय x, x कोई एलिमेंट है जो सेट a में है, तो लिख लो आप लेट x बिलोंग टू a, x इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, अगर y x से डिविजिबल है तो x y रिलेशन में है, ठीक। उसी तरह से x इज डिविजिबल बाय x, इसका मतलब क्या है, x कॉमा x रिलेशन में है For all x belongs to set A। अरे ये तो प्रूव हो गया, यही तो डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्सिव की, कि भाई सेट A में जिस पे रिलेशन है उसके सारे एलिमेंट्स x कॉमा x या a कॉमा a रिलेशन में होने चाहिए, तो वो तो है, दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब ध्यान देना सिमेट्रिक नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, है ना। देखो अगर y इज डिविजिबल बाय x है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन ध्यान करो, ए बी अगर है तो बी ए बी होना चाहिए, तो y इज डिविजिबल बाय x, तो क्या x भी डिविजिबल होगा y से, ये तो ऐसे ही देख लो भाई, चार जो है दो से डिविजिबल है, पर क्या दो चार से डिविजिबल है, नहीं है, बात ही खत्म होगी। तो एग्जाम्पल से हम प्रूव कर देंगे कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। टू काउंट फोर
वाई इज डिविजिबल बाई एक्स टू काउंट फोर बिलोंग टू आर, ये तो दिख रहा है, बट फोर कॉमा टू डज नॉट बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखो इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया है, मैं आपको दोबारा बताता हूं, किसी चीज को सही साबित करने के लिए जनरल मेथड लगाना पड़ता है, गलत साबित करने के लिए एक एग्जांपल देना जरूरी है, या एक एग्जांपल से आप कर सकते हैं जो कंट्राडिक्ट करेगा फैक्ट को, बड़ा आसान होता है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्टिव है, तो देखते हैं क्या ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको और जनरल मेथड से जाता हूं, मुझे पता है ये ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं भी पता है ना तो आप जा सकते हैं, आप जनरल मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में भी आप जनरल मेथड से कर सकते थे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो भाई ट्रांसलेट में डेफिनेशन पे ध्यान दो कि ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज ए सी, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बिलोंग्स टू सेट ए, इस सेट में, ठीक है ना। और क्या मान लें, लेट x1 x2 belongs to relation and x2 x3 belongs to relation, यह मान के चल रहा है, ये तो गिवन कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि x1 और x3 भी रिलेशन में होना चाहिए, ये वही वाली बात है ना, ए बी और बी सी रिलेशन में है, तो आपको ढूंढना पड़ता है कि ए सी है या नहीं है। तो भाई एक्स वन एक्स टू है, एक्स टू एक्स थ्री है, तो आपको एक्स वन और एक्स थ्री ढूंढना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो चीजें हमें पता है, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, भाई रिलेशन में है तो वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा कि एक्स टू इज डिविजिबल बाई एक्स वन, इट इंप्लाइज एक्स टू इज डिविजिबल बाई एक्स वन। अच्छा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दिखाता हूं मैं। देखो x2 अगर डिविजिबल है x से, तो इस तरीके से कुछ लिखा होगा, ऐसे समझो 6 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, इसका मतलब 6 जो है 3 का मल्टीपल होगा ना, तो अभी डिविजिबल होगा, 3 टाइम्स 2 6 हो जाता है। तो उसी तरीके से x2 इक्वल टू लैम्डा x1, ये लैम्डा कोई इंटीजर होगा, ठीक है ना, वो मैंने लिख दिया, ये लैम्डा 1 मान लेता हूं क्योंकि आगे और भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x3 इज डिविजिबल बाय x2, इसमें भी वही बात आ जाएगी भाई, x3 इक्वल टू लैम्डा 2 x2, ठीक है, और यहां पे लैम्डा 2 इंटीजर है। अब मुझे x1 और x3 में रिलेशन निकालना है, ये वाली x2 की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, ठीक है। अच्छा ये दो इंटीजर मल्टीप्लाई होकर एक इंटीजर ही तो बनेंगे, उसको मैंने एक नया नाम दिया। तो ये वही बात लिखी हुई है, देखो x3 मल्टीपल है x1 का, लैम्डा 3 को इंटीजर मल्टीपल है, इसका मतलब यही तो हुआ कि x3 इज डिविजिबल बाय x1, और अगर ऐसा है इट इंप्लाइज x1 x3 बिलोंग्स टू R, और ये जनरल केस लेके हम चल रहे थे। इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है, हो गया खत्म, इजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट का सी पार्ट, काफी सारे पार्ट्स हैं इसमें, इंटरेस्टिंग है। अच्छा एनसीईआरटी क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको भी लगेंगे आप जब उनका मतलब समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिलेशन दिया हुआ है एक्स इज टॉलर 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और सेट ए क्या है जिसपे ये रिलेशन है, वो सेट ये है कोई टाउन है जिसकी पॉपुलेशन आपने ले ली है, ठीक है। अब आपको बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है, चलिए शुरू करते हैं। क्या ये आप गेस कर पा रहे हैं तुरंत अभी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, इजिली आपने सोच लिया होगा रिफ्लेक्सिव नहीं है, भाई एक्स कॉमा एक्स रिलेशन में है, क्या एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या बकवास है, नहीं है, बात खत्म हो गई। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जांपल दे देना आप हर बार, ठीक है ना, एग्जांपल लिख दो बस आप,
ठीक है ना, या जनरल कर दो जैसे आप समझ में आए। अच्छा ट्रांसक्रिप्ट की बात, ट्रांसक्रिप्ट तो पहले सिमेट्रिक की बात, आप तो समझ गए होंगे सिमेट्रिक भी नहीं है ना। देखो कैसे सिमेट्रिक की बात करते हैं भाई, लेट एक्स कॉम वाई बिलोंग टू सेट ए, लेट एक्स वाई बिलोंग टू द रिलेशन, इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यही तो बात है। अच्छा अब y इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 7। अगर x प्लस 7 होता तो मैं कहता ना y और x रिलेशन में है, इट इंप्लाइज y कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। तो भैया सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है ना। आप एग्जांपल भी ले सकते थे कि कोई बंदा 100 सेंटीमीटर है, 107 सेंटीमीटर, कोई दूसरा बंदा है, ऐसे नहीं कर सकते थे। अच्छा तो क्या ट्रांसिटिव होगा, अब आप समझ गए होंगे ट्रांसिटिव भी नहीं होगा ये रिलेशन। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जनरल से भी कर सकते हैं, एग्जांपल से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसा करता हूँ ट्रांसिटिव जनरल से बता देता हूँ, एग्जांपल तो आप दे ही लोगे। तो क्या होता है, तीन एलिमेंट आपने मान ली, ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ए, और मान लिया कि ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं, ए इक्वल टू बी प्लस 7, और इसका मतलब क्या है, बी इक्वल टू सी प्लस 7, तभी तो टॉलर रहेगा। अच्छा अब ए और सी का रिलेशन निकालना है, तो बी की वैल्यू उठा के यहां रखी, ठीक है ये वैल्यू रखी, तो ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, सी प्लस 7 प्लस 7, सी प्लस 14। तो ए और सी रिलेशन में तब होते ना जब 7 आता है, यहां पे ए शुड बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन द सी, पर ऐसा तो नहीं है ना, इट इंप्लाइज ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू द आर, इसका मतलब क्या, वो रिलेशन में नहीं है, खत्म हो गया। इजी है बहुत, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।